हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है क्लास 9 एएसएस स्टार्टर में। तो देखिए, आपका जो सिलेबस है ना, आपको पता है मिल गया होगा, बट अभी भी बच्चों के डाउट आ रहे हैं कि सर हमें सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है। तो देखिए, आपके 20 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट है, आपको पता ही है, डेटशीट भी आ गई है। तो मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है कि आपको सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट लिंक मैंने आपको दे दिया, उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। फिर आपको सिलेबस पे क्लिक करना है। सिलेबस पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे सेशन जो है ना, टर्म वाइज 23-24 का दिया हुआ है। तो उसमें जो सिलेबस है ना, पूरा मतलब फाइनल टर्म का भी दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपको समझना है तो उसकी अलग से वीडियो बनी हुई है, कमेंट बॉक्स में आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, समझने के लिए। नहीं तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, आप कौन सी क्लास में, अगर आप क्लास 9th में है ना, तो आपको उस पर क्लिक करना है और आप जो है ना, यहाँ पे अपने सब्जेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में सिलेबस, ठीक है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में दिया हुआ है। तो अगर आप हिंदी मीडियम में, तो साइंस का अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो साइंस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद डाउनलोड करेंगे, ठीक है, फिर ये ओपन हो जाएगी। तो ये आपका जो है ना, एग्ज़ाम पैटर्न भी दिया हुआ कि कितने मार्क्स की कौन सी यूनिट रहेगी, देख सकते हैं। सिलेबस है ये हिंदी मीडियम में, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना, आपका फाइनल टर्म का नीचे दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको समझना है तो उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में जाना होगा, समझने के लिए वीडियो बनाई हुई अलग से। बाकी आप यहाँ से पूरी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन पे, जिससे कि आपको बार बार साइट पे नहीं आना पड़ेगा। वो तो आपके सैम्पल पेपर है ना, वो आपको कैसे डाउनलोड करने हैं मिड टर्म के, वो भी कमेंट बॉक्स में उसका भी लिंक मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।